पत्थरों में इस प्रकार से भैया लोगों ने अपने नाम लिखे हुए, बिल्कुल जो गेहूं सब हो गए हैं काटने के लिए। इनके अंदर भी वही फीलिंग है लेकिन ये बता नहीं पा रहे। ये ऊपर होटल में जा रहे यार, बैठे कृपया चट्टान में न चढ़े, पाँव फिसलने से दुर्घटना होने की संभावना है। आप आगे मतलब बनाते हैं हिटन 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 है। तो ये है यहाँ का मुख्य मेन मंदिर भैया। 7-8 दिन पहले सौरभ जोशी भी आया था यार यहाँ, पहली बार लाइफ में सोच रहे हैं जिपलाइन करने की। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो में यार। तो दोस्तों दिन की शुरुआत हो चुकी है भैया सुबह के 8:30 बजे और बाकी सुबह सुबह आज सबसे पहले आपको मौसम चेक कराता हूँ मैं आज का। बढ़िया से एकदम मस्त सी धूप खिली हुई है दोस्तों, अभी तो फिलहाल भैया 8 ही बज रहे ना, तो थोड़ी देर में मतलब धूप लगने लगेगी, इतनी तगड़ी वाली गर्मी आ गई है बहुत आजकल। और बाकी मैं अभी इस वक्त सुबह सुबह तैयार होकर के दोस्तों आज जा रहा हूँ मुक्तेश्वर, आप सभी लोगों को लेकर के मुक्तेश्वर धाम। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग पे बने रहना, आपको क्या क्या होता है आज भैया, सबसे पहले हम दर्शन भी करेंगे महादेव के और बाकी क्या क्या होता है वो आप लोग ब्लॉग पे देखते रहना। बाकी दोस्तों मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में भैया यहाँ पे मेरा भाई राकेश, ये देखिए राकेश सिंह है साथ में, और बोल दे हेलो गाइज, बोल दे कहाँ जा रहे हैं आज? मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर जा रहे दोस्तों आज, बढ़िया करके मुक्तेश्वर लेकर के चलते हैं आपको। बाकी हाँ भटेलिया में भी काम है, वहाँ से भी सामान लेना है थोड़ा बहुत, कापी वापी मंगा रखी है अम्मा ने। यो यार दगड़ियो आम ये बेचती बात नया देखा अम्मा बोल दिया यार, दोनों मतलब खाना नहीं देते दोनों भाई को, ऐसा बोल दिए। पर मैंने आपको पहले भी बता रखा भैया खाना वाना मेरे को बिल्कुल लगता नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, खाना तो पेल के खाते हैं बट लगता नहीं है भैया। बाकी वो चीज़ छोड़िए उसको इग्नोर कीजिए, आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, आपको लेकर के चलते सीधे मुक्तेश्वर। और क्या हाल चाल हो रही तुम्हारे? ठीक है बढ़िया एकदम। तो ये देखिए दोस्तों छोटे चाचा अभी तक तो ये मतलब वहाँ पे पत्थर उगा रहे थे ना, उधर हमारे जो मतलब भैया ठेकेदार साहब लोग हैं वो मतलब काफ़ी लेट लगा दे रहे हैं, लेट दराज वो एक दिन काम में आ रहे हैं तो 10 दिन की छुट्टी मार देने। बाकी कल आए हुए थे काफी पत्थर निकाले थे, चाचा ने सुबह सुबह पत्थर पूरे इकट्ठे कर दिए हैं। चलो फिर मुक्तेश्वर के चलते हो तो घूमने नहीं चलते हो? ठीक है फिर हम जाके आते हैं फिर। आजकल बुबू को हम बहुत कम बैठा ले बाहर, दिन में तो धूप लग जाती है। फिर निकल चुके हैं घर से हम, मैं और राकेश अभी और बाकी दोस्तों साथ में एक और है तो तिल्लोक भी आ रहा है, वो बगल में मिलेगा हमको रास्ते में। स्कूल के बच्चे भी जाने लग गए हैं स्कूल को, बच्चों हाय नमस्कार नमस्कार, जाने लग गए आ गया आ गया। अच्छा जोक बुत करना था तुम्हें गए, हमको जाते जाते रास्ते में मिली पंकज भाई की मम्मी यहाँ पे, मामी हमारी और ये काट रही है जो। आजकल देखिए दोस्तों पूरे भैया जो बिल्कुल जो गेहूं सब हो गए हैं काटने के लिए, मामी लगी पड़ी हैं बढ़िया करके बिल्कुल जो काटने में। गए हम लोग भैया यहाँ पे चले हुए हैं गजार की चढ़ाई, थकान भाई ऐसी गर्मी लग रही है ना भाई, यहाँ पे भाई लोग का फोटो शूट भी चल रहा है। अरे भाई हीरो लग रहा है एकदम बिल्कुल मस्त, किलो भाई कैमरामैन बना हुआ है। इस वाले रास्ते से ना भैया हम लोग जाते थे रामलीला में, उस टाइम में धनाधन दौड़ते थे बट आज भैया थकान लग रही है तगड़ी वाली, धूप भी। राकेश सही हो रहा है चलने में? थकान तो लग रही, धूप गर्म, किलो तो बहुत बढ़िया मस्त है एकदम। तो ये भाई लोग तो चंगे हैं बस भैया, लेकिन मेरे को लग रही है भाई थकान और गर्मी भी, इनके अंदर भी वही फीलिंग है लेकिन ये बता नहीं पा रहे सिर्फ कैमरे के सामने, फीलिंग सेम है सेम फीलिंग। कशाले को जाते वक्त रास्ते में मेरे को मिला ये देखिए भैया, पूरे गज्जों में भर भर के पतेल आ रखे हैं, कहाँ से आ रखे ये पता नहीं, किसके हैं ये पता नहीं, बट कितने ज़्यादा भैया। मैंने पहले सोचा ये भूसा है गाय बच्चे के लिए लेकिन ये पूरे पतेल के गज्जे हैं। हेलो हेलो उस्ताद जी, और क्या हाल चाल है? भैया ये ऊपर के भटेले हो जा रहे हैं यार, बैठे गए जहाँ पे हमको मिले भैया संजू भाई, हमने ये देखे एससीबी वाले। तो हमारा बढ़िया हो गया भैया, थोड़ा गंगो चौथ तक का आ जाएगा, शादी का टाइम का सामान चल रहा माजा अभी तक वापिस नीचे किस वक्त आओगे टेंट भर के? एक घंटा लग जाएगा अभी, एक घंटा चलो अगर उतने में हम भी वापस ही आगे सामान लेके तो ठीक ही है, नहीं तो फिर देख क्यों। ठीक है चलो फिर मिलते हैं। ओके गए हम लोग भैया यहाँ पर तक का आगे हैं एससीबी में संजू भाई की गाड़ी में अपने सिलपुड़ी, यहाँ पर से पैदल चलो गंगवा चौथा बहुत आगे,
यहाँ बच्चे आप भटिल ज्यादा दूर तो है नहीं। गंगवा चौर रॉयल मार्ट छे ना, ये मुक्तेश्वर के भाई साहब मिल गए थे, उनकी गाड़ी में हम आ गए यहाँ तक का। बाकी थोड़ा पीछे ही उन्होंने छोड़ दिया था हमको भैया, और 1 किलोमीटर और जाना हमने पैदल पैदल ऊपर। अब गंगवा चौर से ही मुक्तेश्वर तक का जो किराया भैया होने लग गया है वो होने लग गया 30 रुपये पर पर्सन। हमको लिए 3 लोगों को 90 रुपये उन्होंने भाई साहब ने, और भी उसमें भी पूरा भी नहीं छोड़ा, 1 किलोमीटर पीछे ही छोड़ दिया। भाई साहब क्या बोल रहे ना, अरे यार तुम इतनी बार भेजवा यार, थोड़ा सा मात के चाह मैं मैगी खाची यार। तो भाई को पहले भूख लगी हुई थी और भाई मतलब ब्लॉग पे आना भी नहीं चाह रहा था मुक्तेश्वर का। ये अभी गेट से अंदर को एंटर कर लिया है और यहीं पर से गेट यहाँ पर से ही एक रास्ता जाता है चौली की जाली को, एक रास्ता जाता है महादेव मंदिर। सबसे पहले हम लोग तो भैया दर्शन के लिए जाएंगे। मैं पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे, 2-3 बार आ गया बट अभी तक का मंदिर में नहीं गया था। तिलू भी पहली बार आ रहा होगा शायद, तो 2-4 बार ना मुक्तेश्वर तो मैं 2-3 बार आ गया हूँ, मंदिर में मैं एक ही बार आ रखा हूँ, बहुत पहले आया था। आज फिर से अपने महादेव के इस प्रांगण में इस मंदिर पे दर्शन के लिए पहुंच गए दोस्तों मुक्तेश्वर महादेव। उससे पहले यहाँ पे है जूते चप्पल वगैरह उतारने का रखने का स्थान, हमने अपने जूते उतार दिए हैं और अब जा करके इन सीढ़ियों से, कितनी प्यारी सी सीढ़ियाँ भैया मंदिर को जाने के लिए, इन सीढ़ियों से हम सीधे मंदिर तक का प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर सी दोस्तों हम लोग ले रहे हैं भैया प्रसादी वगैरह, राकेश भाई लिया हुआ है प्रसाद लेने के लिए। तो देखिए आपको ज़्यादा दूर से भैया प्रसाद लाने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट में मंदिर है और उसी के पास में यहाँ पे देखिए प्रसाद भी मिल जाएगा आप सभी को। तो इस समय में दोस्तों ना आप लोग जो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है यहाँ का मुख्य मेन मंदिर भैया, जो कि है मुक्तेश्वर महादेव का। अपने बढ़िया तरीके से यहाँ पे दर्शन भी हो चुके हैं और हम लोग अब जाकर के यहाँ से जाएंगे चौली की जाली 0 पॉइंट पे, जो कि यहाँ से करीबन 200-300 मीटर ही नीचे है। तो वो मैं यहाँ पर से दिखाता हूँ आप सभी लोगों को कि यहाँ पर से ज़्यादा कुछ नहीं, बस 200-300 मीटर की दूरी पे ही है, नीचे से हम घूम करके जाएंगे। तो फिर अभी लोग गए वहाँ से, जिप लाइन भी हो रही है, अभी वहीं जा करके दिखाते पूरा अपने आप दर्शन, अच्छे खासे बढ़िया से दर्शन हो गए। कैसा लगा राकेश सिंह? बढ़िया लगा, बढ़िया एकदम मस्त हवा चल रही है। उसका जो शॉर्ट रास्ता है वो है ये वाला, बाकी यहाँ से हम नीचे गेट में जाते तो भाई वहाँ से फिर और लंबा पड़ता है हमको उधर को। तो ये वाला रास्ता जो है दोस्तों वो है भैया चौली की जाली यानी कि 0 पॉइंट जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट। अब लेकर के चलते हैं आपको सीधे वहाँ पे। अरे ये तो अब अभी बना दिया, अब आप मतलब बना रहे हैं अभी हिटन हिटते हिटते ने बीच में। यहाँ बताया तुमको ये 7-8 दिन पहले सौरभ जोशी भी आया था यार यहाँ, वो एक ब्लॉग में देखा मैं यत्ती भाई चले जो साहिल जोशी थे, साहिल जोशी यहाँ पर आम के लिए चली हुई नहीं इतनी बड़ी कुखाल में। ये शॉर्ट वाला रास्ता आए थे हम चौली की जाली के लिए भाई, इस वाले रास्ते में इतना सुकून है क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ बाँच के, एक ठंडी खरसो हो गया हमारे पहाड़ में खरसो होता है ना, उस खरसो के मतलब पेड़ है और बाँस के पेड़ है तो ठंडक है यहाँ पे भैया बहुत अच्छी वाली। तो ये देखिए इतने बड़े पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पूरे खरसू के हैं भैया, हमारे पहाड़ में खरसू ही बोला जाता है। ये ठंडा पेड़ रहता है, जिस भी इलाके में रहता है वो इलाका ठंडा रहता है। इसकी पत्तियां देखिए कुछ इस प्रकार की है। तो आइए आज आपको भैया हम लोग पहुंच गए यहाँ पे चौली की जाली और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू पॉइंट मस्त वाला। आओ भाई तुमने देखा नहीं देखा, पहले देखा बहुत बार। तो चलिए आज आपको सामने जाते हैं जहाँ से जिप लाइन भी होती है एकदम तगड़ी वाली भैया, जिप लाइन करने वाले हैं आज हम, पहली बार लाइफ में सोच रहे हैं जिप लाइन करने की। तुम लोग करोगे? करोगे, आओ फिर चलते हैं। दादी हमने पहचान किए जिप लाइन वाले यार, पहले भी आए थे हम यहाँ पे भाई। ये बढ़िया जिप लाइन, खुदा नहीं हो जिप लाइन करनी हो। हेलो दादी, और कैसे हो?
बढ़िया एकदम चौली की जाली में व्यू पॉइंट पे है ये बढ़िया दाजी लोगों ने लगा रखी है जिप लाइन छोटे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। गाइस जो ये भैया टॉप व्यू है ना यहाँ पे आप देखिए ये जो पत्थर हैं कुछ पत्थरों में इस प्रकार से भैया लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। तो कुछ लोगों ने तो भैया अपने लवर्स के नाम लिखे हुए हैं कहीं कहीं पे सामने भी भैया जहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल नाम लिखे गुदे हुए ऊपर भी। एक बार लिख दिया तो नाम ना एक बार गोद दिया तो पत्थर में परमानेंट रह जाता है। तो जब भी कोई भैया लवर्स लोग आते वो लोग भी अपना नाम लिख के जाते हैं और कोई सिंगल लोग भी लिख सकते हैं हम भी लिख सकते हैं बट हम लिखेंगे नहीं ऐसे यार क्या ही लिखे पत्थर में नाम क्यों हम लोग कोई बदलाव देते भाई हम लोग कोई बदलाव देना यार जब की जगन जहनगीर बाइक सही से मतलब व्यू चाहिए तो बढ़िया हो क्यों देखा था वीडियो एक नंबर गाइस एक नंबर भाई क्यों आप देख यहाँ आओगे ना कसम से भाई मजा आ जाएगा। आप सोचोगे पैरासूट लेके आता हूँ उड़ जाता हूँ यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाता हूँ अलोड़ा। नीचे देख सकते हैं गहरी खाई कितनी तगड़ी है बिल्कुल इतनी तगड़ी गहरी खाई और इतनी ऊंची चोटी और यहाँ से खाई जो है इतनी गहरी भाई बाई चांस कोई गिरा गायब। इसी के पास में यहाँ पे लिखा हुआ चेतावनी कृपया चट्टान में न चढ़े पाव फिसलने से दुर्घटना होने की संभावना है इस स्थान से आगे न जाएं खाई में गिरने का खतरा बच्चों का ध्यान रखें। गाइज गाइज सामने से देखिए भैया जिप लाइन होने लगी है गाइज वहाँ पे कोई अंकल चले गए हैं जिप लाइन करने के लिए हमको डर लग रही है पहाड़ी होने के बावजूद और वो देखिए भाई साहब वैसे यार हम पहाड़ी भी है तो लेकिन इनको आदत होती है भाई जगह जगह पे करते हैं ना यार लोग यार हमको डर लगती है जिप लाइन से यार मेरे को तो बहुत डर लगती है भाई सामने से जा रहे देखे हैं अभी जाएंगे नीचे को ये गए बाबरा हाथ का फोन पकड़ा है यार ये फुल एंजॉय वो चले गए भैया पता नहीं कहाँ चले गए। अभी चलते हैं आप घर के लिए भटेलिया पहुँचते हैं भटेलिया से भैया सामान लेना है अभी कॉपी वॉपी वगैरह देनी है सुमन के लिए काफ गए जब भी हम लोग यहाँ पे भैया रुके हुए हैं IBR के यहाँ पे यहीं पे SBI का बैंक भी है ATM भी राकेश गया हुआ है वहाँ पे थोड़ा कैश निकालने के लिए तभी जा कर के वो सामान लेगा भैया भटेलिया से कापी वापी वगैरह जो सुमन के लिए लेना है। हम लोग एकदम जहाँ पे गोल राउंड है यहाँ पे बैठे हुए के बाद टाइम जस्ट क्या लगा है यार तो टाइम जस्ट क्या लगा ये ले रहा है आज पैंट कोट ब्लेजर शर्ट वगैरह शादी के लिए देख भाई फिर तिल्लू देख ले तिल्लू जैकेट तेरे लिए जैकेट ये देख तिल्लू जैकेट भाई को इसको दिखाओ लोअर वर कपड़े वपड़े यार मस्त करके काफ़ी अब लेंगे बाकी तिल्लू ने जो लेना था लोअर शर्ट वगैरह वो चीज़ भी भैया खरीदते हैं सामान लेते हैं फिर चलेंगे घर को लिफाफले तत्ते पूछ ले लिफाफले मिल सकने लिफाफ पूछते बोले मेरे संग तो यार लिजान कैसे कापी सुमन के लिए मिल गई हमको दोस्तों दुकान पे यहाँ पे राकेश देख रहा है अभी कुछ ऐसे क्या मंगना है सो जल भी ले लिया है जल्द वगैरह भी और कॉपियाँ ले ली हैं चलो क्या ले रहा है भाई ले लिया चल होगा थोड़ा बहुत जो सामान लेना था भैया वो ले लिया यहाँ से अभी चलते घर को यार टाइम भी बहुत हो गया भैया धूप भी बहुत लग गई तड़ी वाली मिलते पे ठीक है ओके ओके तो चिल्लू भाई तो जा रहे हैं यहाँ पर से गाइज हम लोग चलते हैं सीधे। तो हेलो जी दोस्तों यार फाइनली भैया हम लोग पहुँच चुके थे यार घर थकने पटाने घुरीने फुरीने मतलब भैया जैसे तैसे मतलब घर पहुँच गए हैं थकान बहुत लग गई थी भूख भी लग गई थी हमने खाया नहीं कहीं पर फटाफट आते रहे एक ही स्पीड में भैया कच्चा लेक से फिर और अभी जस्ट यहाँ पे आने के बाद खाना खाया हमने भूख लगी थी तेज़ भैया काफ़ी तेज़ वाली और शाम हो चुकी है इस वक्त इतना ठंडा हो रहा है ना ठंडी सी हवा चल रही है मज़ा आ रहा है एकदम और शाम हो गई तो यार इसी शाम के साथ में आज के इस वीडियो को भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यार आपको पसंद आई होगी पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करना
कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।